स्वाधीनता का अमृत महोत्सव विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय बालाघाट में आयोजित हुआ युवा संवाद कार्यक्रम, जिसने नोडल अधिकारी पशुपालन परियोजनाएं डॉक्टर परते और वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर नगपुरे दिए स्वावलंबन के मंत्र। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने युवा भारत के हाथों में काम देने के लिए कृत संकल्प प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना युवा संवाद कार्यक्रम के तहत पशुपालन विभाग द्वारा आज जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट में युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपनी इस परिचर्चा के दौरान छात्र छात्राओं को मोटिवेट करते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर घनश्याम परता ने कहा, सीमा पार से जब विदेशी आक्रमण का खतरा हो तब बंदूक लेकर सीना तान कर सीमा पर डटे रहना देशभक्ति है, और देश के सामने जब बेरोजगारी की समस्या मुंह बाए खड़ी हो तो देश के लिए रोजगार के नए अवसर खोजना, स्वरोजगार स्थापित करना देशभक्ति है। प्रभारी पशु चिकित्सक डॉक्टर राजेश्वर सिंह नगपुरे ने शासन के विभिन्न हितग्राही मूलक स्वरोजगार संबंधित योजनाओं की जानकारी देकर छात्र छात्राओं को पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक डॉक्टर सिलोटकर ने अतिथियों तथा उपस्थित प्रधानाध्यापकों को धन्यवाद ज्ञापित कर छात्र छात्राओं को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। क्योंकि हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं और इसी को स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कहा जा रहा है, तो हम सभी लोग सबसे पहले उन शहीदों को नमन करें, उन क्रांतिकारियों को नमन करें जिनकी मेहनत, जिनकी बदौलत, जिनके खून से आज हम इस स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंचा सेन इस महाविद्यालय के डॉक्टर काकुलकर सर, पशु चिकित्सा विभाग से हमारे वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर नगपुरे सर कहते हैं कि जब देश में आक्रमण हो, जब पाकिस्तान, चाइना या दूसरे किसी देश विदेश से हमारा खतरा हो, तो वहां पे देश के लिए शहीद होना, वहां पे देश के लिए बंदूक चलाना, वहां पे देश के लिए बॉर्डर पर डटना, ये देशभक्ति है। देश को सुरक्षा की आवश्यकता हो, देश को बाहर आक्रमण से यदि आपको सुरक्षा देना हो तो हमें देशभक्ति की मांग रहते हैं, बंदूक लेके खड़े रहना दुश्मनों के सीने या बंदूक चलाए आपका सीना आगे खड़े रहना, लेकिन अब देश से यदि बेरोजगारी जैसी समस्या से यदि आपको निजात दिलाना हो तो उसके लिए आप बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी को कैसे भागा सकते हैं, देश में रोजगार कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा देशभक्ति का आपका मौका हो सकता है। ये देशभक्ति आपकी हो उसके लिए कर सकते हैं। कल हमारा एक नया लेवल मध्य प्रदेश शासन का नया कार्यक्रम का आगाज हुआ, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ये सब बताने के पीछे मेरा यह है कि यहां से जितने बच्चे निकले, हमेशा मैं बच्चों से कहता हूं, यहां से जितने बच्चे निकलेंगे 99.99% के दिमाग में यह है, तो 100% के दिमाग में रहते हैं कि मुझे नौकरी लग जाए, मुझे नौकरी एग्जाम में डिग्री मिल जाए तो नौकरी लग जाए, हमारे सबसे बड़ी था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, इस देश के मुख्य कारण के बाबा हम की सोच है, कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आपके बैठक में जानता हूं कि मेरे बेटे में जितने लोगों ने ग्रेजुएशन किया था, जितने डॉक्टर जितने बने थे, सबको नौकरी नहीं लग पाई। आप जितने प्रोफेसर सब भी गए, सम्मान के साथ हम लोग बैठे सभी लोग जानते हैं, आपके साथ के जितने स्टूडेंट्स हैं वो तीनों की नौकरी लग पाई है। अगर मैं सारे हमारे बैठे डॉक्टर नक्सेसर बैठे हैं वो वही बात की जानते हैं, बहुत से 2-3% लोगों को जिनको नौकरी लग पाई है, कुछ टेंथ ग्रुप बेटर हो रहे, कुछ ट्वेल्थ ग्रुप बेटर हो रहे, कुछ ग्रेजुएशन लेवल में बेटर हो रहे, हो रहे कहने के बाद पर इस देश में इतनी क्षमता नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी दे सके, लेकिन क्षमता इतनी जरूरत है कि आपको रोजगार छोड़ दे सके। तो उस रोजगार देने की क्या किया जा सकता है, भले हम फलों के कार्यक्रम पर आपको बता देना चाहूंगा। सबसे पहला बताया हुआ अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।